हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा तिथि पड़ती है। इस प्रकार मार्गशीर्ष महीने में 26 दिसंबर को पूर्णिमा पड़ रही है। हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि पर गंगा नर्मदा पवित्र नदियों के स्नान का विधान है। इसके साथ ही पूजा जप तप एवं दान किया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। वहीं ज्योतिष आचार्य पंडित अजय दुबे ने बताया कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण 27 दिसंबर को देर रात 3:22 तक है। इसके पश्चात ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शुक्ल योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है एवं समस्त सुखों को प्राप्त होता है। पूर्णिमा हमारी तिथियों में बड़ी सिद्ध तिथि है। सिद्धा तिथि भी इसे ज्योतिष की भाषा में कहा गया है। पूर्णता को प्रदान करने वाली तिथि है। और मार्गशीर्ष माह है, हमने विचार अगर करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का बड़ा प्रिय माह है ये। मार्गशीर्ष मास में किए गए पुण्य से जातक के जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है और पूर्णिमा हर प्रकार के संकल्प को पूर्ण करने वाली तिथि है। पूर्णिमा के दिन दिव्य योग का निर्माण हो रहा है, शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन प्रातः काल सर्वप्रथम तो जातक को सूर्य उपासना करनी चाहिए और भगवान राधा कृष्ण का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन दूध से बनी हुई मिठाई का भगवान को भोग लगाना चाहिए। अगर सहज में व्यक्ति की व्यवस्था बनती है तो उसको देशी गाय के दूध से रबड़ी बना करके और उसका भगवान को भोग लगाना चाहिए। आपके घर में प्रत्यक्ष देवता के रूप में बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। उनको केसर युक्त दुग्ध का पान कराना चाहिए, उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। गौ माता की भी सेवा करना चाहिए। पूर्णिमा पर जो सत्कर्म हम करते हैं वह फल हमारे समस्त मनोरथों को पूर्ण करता है। और हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के निवासी, नर्मदापुरम के वासी, माँ भगवती नर्मदा के तट पर निवास करते हैं तो सर्व तीर्थे सुयत पुण्यम सर्व यज्ञ सुयत फलम सर्व वेदे सुयज्ञानम तत् सर्वम नर्मदा तटे। माँ नर्मदा की तट पर पहुंचकर माँ भगवती नर्मदा को प्रणाम करना चाहिए, नर्मदा जी में स्नान करना चाहिए। वहाँ उपस्थित जो ब्राह्मण देवता उनको प्रणाम करके कोई ना कोई सत्कर्म अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन अग्निहोत्र का ही बड़ा विशेष महत्व है, इसलिए हवनादि कर्म भी अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, दरिद्र नारायण की भी सेवा करनी चाहिए जो हमसे सहज में बन सकता है। अगर भगवान ने सामर्थ्यता दी है तो भगवत भजन भगवत अनुष्ठान में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करना चाहिए। और अगर भगवान ने हमें सामर्थ्यता नहीं दी तो कर्ज लेकर भी ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए। फिर तो प्रकृति की सेवा करनी चाहिए, है ना। आप स्वयं जाएं, अपने हाथ से हरा घास लेकर आएं और गौ माता को पवा दें, उससे भी आपकी निश्चित रूप से मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, पूर्ण होंगी। भगवती कृपा करेगी और जीवन आनंद में होगा। और इस पूर्णिमा को अगर आपने गौ सेवा की तो अगले पूर्णिमा तक भगवती गौ माता ऐसी कृपा करेगी कि आप धन से भी सेवा करने योग्य हो जाएंगे, क्योंकि पूर्णिमा आपको किया गया पुण्य करोड़ों गुना फल प्रदान करता है। इसलिए हमें पूर्णिमा के दिन सत्कर्म अवश्य ही करने चाहिए। हरिओम, नर्मदे हर।